खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में अगली सरकार में अपनी मजबूत हिस्सेदारी का संकल्प लिया है, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि भाजपा को पराजित करने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होकर चुनाव लड़ना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर भाजपा को हराने का नारा खोखला साबित होगा। वहीं मीडिया से बातचीत में प्रसपा पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं मुबारकपुर के पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हम सत्ता परिवर्तन के लिए किसी भी सेक्युलर पार्टी से समझौता करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। विशेष रूप से समाजवादी पार्टी जो अगले चुनाव में 400 सीट लाने का दावा करती है, उससे भी हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन हमें यह देखना ये है कि हमको अपने साथ रखने के लिए कौन सी पार्टी कदम बढ़ाती है, तो हम उसके जवाब में 4 कदम आगे बढ़कर हाथ थाम लेंगे। रामदर्शन यादव ने अपने बयान में दावा किया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसके साथ रहेगी उसकी सरकार बनेगी। यह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें हमारे बूथ से लेकर हमारे पदाधिकारी, प्रधान, पूर्व प्रधान, VDC, पूर्व VDC, पूर्व महाप्रधान, उन सभी लोगों को 22 के चुनाव की तैयारी के लिए आज हम सब लोगों को इकट्ठा किए थे और उनको यहाँ से संदेश देकर ये भेजना चाहते थे कि अब जाकर आप बूथों पर माननीय शिवपाल जी की पार्टी, माननीय निशान चाभी के लिए आप अपने बूथों पर काम करिए और अगला चुनाव इसी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के माध्यम से लड़ना है। आने वाले 2022 में सपा और प्रसपा का क्या रोल रहेगा? हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मतलब सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए सभी दल जितने हैं सब लोग अगर एक हो जाएंगे तो सांप्रदायिक शक्तियों को हम हरा सकते हैं। अगर ये लोग अलग अलग लड़ने की कोशिश करेंगे तो एक बार फिर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई अकेले सरकार बनाने की हैसियत में है। और हमारी प्रसपा पार्टी जो है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी हमेशा यह कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा प्राथमिकता के आधार पर समाजवादी पार्टी से हम गठबंधन करेंगे और सभी लोगों को एक साथ एक मंच पर आकर के सरकार को हटाने के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने के लिए एक होना चाहिए, एक होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। सभी लोग यह बात कहते हैं, यह बात सभी लोग कहते हैं, जो अपने को बड़ा समझता है उसकी क्षमता, उसकी औकात भी तो मैं समझता हूँ 42 MLA की है, जो उससे बड़ा बनता है वो उसकी क्षमता शायद 20 MLA की है, यही क्षमता है ना। सरकार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहाँ रहेगी उसी की सरकार बनेगी, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं। यह हम तो बुलाए थे कार्यकर्ता बैठक सम्मेलन, वह रैली हो गई तो मैं क्या करूँ, इतना लोगों में उत्साह है प्रसपा के प्रति कि लोग अगर अधिक आ गए या सैलाब आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। CIBN News की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।